आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने किया जीत का दावा, कहा 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय। ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने कटिहार में की जनसभा, जनसभा के दौरान गाना गाकर कसा नीतीश सरकार पर तंज। जो सरकार रेलवे बेच रही हो, जो सरकार ट्रेन बेच रही हो, उस सरकार में इंजन सुरक्षित रहने वाला है। नीतीश जी समझ रहे हैं और गाना गा रहे हैं, क्या से क्या हो भाजपा। भागलपुर के सहनौला में घटी दर्दनाक घटना, पति ने पत्नी की पीट पीट कर की निर्मम हत्या, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मुजफ्फरपुर के कुडनी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की जनसभा, मंच से नित्यानंद राय ने जनता को किया संबोधित। मुजफ्फरपुर की धरती क्रांतिकारियों की धरती थी, आजादी की लड़ाई से लेकर लोकतंत्र बचाने के लिए सन 1974 में भी इस धरती ने नेतृत्व किया, जहां अमर शहीद युवा सैनिक की। भागलपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पहली स्कॉर्पियो से लगाव के कारण घर में पानी टैंक को ही दे दिया स्कॉर्पियो का लुक, आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर की इस व्यक्ति की तारीफ। हम लोग सोचे क्या कि कोई नया लुक ऐसा हो जो कि आदमी को अच्छा लगे, हमारी वाइफ का थोड़ा सा सोच था, उसी के पाल से जो है ना हम सोचा टंकी जो बनाएंगे तो स्कॉर्पियो हमारी पहली गाड़ी थी उसी को ई करने के लिए हम जो है ना छत पे स्कॉर्पियो का साइज डिजाइन बना दिए और उसमें सोचे कि पानी का टंकी निकाल दें ताकि दूसरा टंकी हमको लेना।